उनके मन में एक डर था, लोग अपने घर में जिस प्रकार से कैद हो चुके थे, लेकिन अब वो बाहर निकल रहे हैं, आप शुरू से ही उनके लिए कार्य कर रहे हैं, तो अब आपके लिए कितनी चुनौती होगी क्योंकि अब लोग अपने कार्य को चालू कर दिए हैं और काम के साथ आपको उन्हें कोरोना महामारी से भी बचाना है। एक्चुअली जब कोरोना जैसा वायरस आया था इंडिया के अंदर, जो जो हिसाब से बॉम्बे के अंदर जो बॉम्बे एकदम पिक पे था, जो पूरी इंडिया का टारगेट था, जो हिसाब से महाराष्ट्र के केस बढ़ रहे थे, वो हिसाब से जो दो साहब है जो हमारी महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट ने कंट्रोल की, और कंट्रोल करने के बाद आज लोगों को पॉजिटिव फीलिंग्स है, जो हिसाब से लोग थोड़ा निकलना चालू किए, जो अपने हिसाब से जो बॉस हमारे सर का मिशन था, उद्धव साहब का मिशन अगेन, वो स्टार्ट करने के बाद महानगर पालिका बोलो या MMRD बोलो, MRRC बोलो, सब मतलब अपने अपने काम पे लग गया है। ठीक है, अभी 4 महीने का गैप था जिसमें कुछ डिफरेंस हुए, पर आने वाले छः महीने में पूरा कवर हो जाएगा जो हिसाब से उद्धव साहब का और महाविकास आघाड़ी का काम है और हमारे महानगर पालिका का, क्योंकि हमारे के जो किशोरी पेंडिकर है जो मेयर है मुंबई की, वो देखो रोड पे दिखते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े पोस्ट वाले लोग रोड पे काम करें, मतलब लोगों के लिए ही काम करना चाहते हैं, ये हमारा विजन है। तो आलिम जी, आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो अब किस प्रकार की उनकी परेशानी आप देख पा रहे हैं, जिस प्रकार से आपके कुछ फोटोग्राफ्स हमने देखा सोशल साइट पे कि आपने कल अनाज वितरण को लेकर भी कार्यक्रम रखा था आपने? अनाज तो हम लोग 4 महीने से बांट रहे, जो हो सका हम कर सकते हैं। आज लोगों का एक ही दो चीज़ कहना है, सबसे पहले लोग ने अपनी नौकरियां खो चुकी है वो उसके लिए परेशान है, सेकंड चीज़ लोग अपने बच्चों के जो स्कूल की फीस है उसका लेके एक इश्यू है लोगों को, तीसरा एक इश्यू है लाइट बिल का। लाइट बिल का तो जो मान जो CM साहब हमारे करना चाहेंगे वो देखा जाएगा, और स्कूल के इसके लिए लेके उसमें कुछ ना कुछ अच्छी पॉलिसी, मतलब कुछ ना कंसेशन आ सकता है, वो इन फ्यूचर मतलब एक आध महीने में पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। लोगों का सबसे बड़ा मेन टारगेट स्कूल और इलेक्ट्रिसिटी का है जो लोग चाहते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।